जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान दीपक जी के कमेंट के अनुसार आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ इनकम प्लान का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था पहले ही। इस वीडियो में हमने इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में मेच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम रेगुलर इनकम बेनिफिट कह रहे हैं, बोनस रेट के साथ उदाहरण की सहायता से समझाया था। तो ये वीडियो आपके लिए देखना अनिवार्य है अगर आप इस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। आपका समय बचाने के लिए हमने इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और एंड वीडियो के कार्ड में भी इसको लगा देंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो आइए जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ विजन लाइफ इनकम प्लान की डिटेल के बारे में, जो कि प्रीमियम ना पे कर पाने की कंडीशन से जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि आप प्रीमियम पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में तीन ऑप्शन होंगे। पहला है कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर लें, दूसरा है कि इंश्योरेंस कंपनी से कह दें कि पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो बेनिफिट होंगे वो रिड्यूस होकर आपको मिलते रहेंगे। तीसरा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा लोन लेंगे तो। ठीक है जी, ये तीनों ही ऑप्शन कब मिलते हैं? जब कम से कम पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार आपने प्रीमियम पे कर लिया हो, तभी ये मिलते हैं, इधर नहीं। अब हमें ये तीनों ही कंडीशन समझनी है, तो पॉलिसी ब्रोशर से एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ने है, जिनकी आयु 35 साल की है, 21,603 रुपए का वो सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं और 15 साल के लिए वो यहाँ पे प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं। 2.5 लाख रुपए का वो बेस सम अश्योर्ड यहाँ पे चुनते हैं, तो ऐसे में जो पॉलिसी टर्म होगा 100 में से हम इनकी आयु को घटा देंगे तो 65 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ इनकम प्लान के सरेंडर वैल्यू को समझते हैं उदाहरण की सहायता से। हम मान लेते हैं कि श्रीमान ने 5 साल लगातार प्रीमियम पे किया, वो आगे चल के प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए। तो ऐसे में जो 5 साल के अंदर जो बेस प्रीमियम पे कर लेंगे, क्योंकि हमने बेस प्रीमियम ही यहाँ पे माना है, उसे जानने के लिए 21,603 में आप 5 का गुणा कर देंगे तो 1,08,015 रुपए का ये प्रीमियम हो जाएगा। बोनस रेट हम 4% का अज्यूम कर रहे हैं। कैसे बोनस रेट लिया है, 4% का ही क्यों लिया, पिछली वीडियो में हमने बता दिया है आपको। तो ये जहां तक ही प्रीमियम पे करेंगे वहीं तक ही बोनस इकट्ठा होगा, उसके बाद बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो अक्योर्ड बोनस हो जाएगा उसे निकालने के लिए हम 2.5 लाख जो की बेस समझ और उसका 4% निकाल के 5 से गुणा कर देंगे तो 50,000 रुपए का अक्योर्ड बोनस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है जी, जिसे आप वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस या अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस भी कह सकते हैं। अब जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसे जानने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का आपको गुणा करना होता है टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करना होता है बोनस में, और अगर आपको इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो गए हैं तो उस केस में सरेंडर वैल्यू में से इनकम बेनिफिट को घटा दिया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि सरेंडर करने में हमेशा नुकसान ही होता है, राइट? तो यहाँ पे जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम के लिए, वो होगा 50% का, और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा अक्योर्ड बोनस के लिए वो होगा यहाँ पे 6% का एज पर दैट टेबल। तो हम क्या करेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए, हम यहाँ पे 50% निकालेंगे 1,08,015 का, और 50,000 का हम निकालेंगे 6%, दोनों को फिर जोड़ देंगे तो 57,007.50 रुपए का यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि जो इनकम बेनिफिट है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना चालू होते हैं, राइट? अगर ये लोन लेंगे तो सरेंडर वैल्यू का 85% तक लोन इनको मिल सकता है। अब देखिए लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हमें नहीं पता चला है, और देखिए बहुत ही सरल से लोग हैं हम, हर चीज का हमें भी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये प्लान पुराना है, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में देखा इसमें कई बार मॉडिफिकेशन हुई है, तो इस वजह से लोन पे क्या इंटरेस्ट लगेगा वो हम नहीं पता लगा पाए। अब जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है वो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम के ऊपर अप्लाई होगा। 15 साल का हमारा यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो 50% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे हो जाता है टोटल पेड प्रीमियम के लिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी। अब आप वीडियो को अगर फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एक तरफ पॉलिसी ईयर, दूसरी तरफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, और बोनस के ऊपर अप्लाई होने वाला यहाँ पे फैक्टर दिया गया है। ठीक है, 15 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 6% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो जाता है, क्योंकि पहले साल को छोड़ के आपको काउंट करना है, क्योंकि पहले साल पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, राइट? अगर आप सरेंडर करेंगे तो
होगा भी नहीं। अब यहाँ पे श्रीमान ए ने देख लिया कि भाई सरेंडर करने में नुकसान हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट क्या होंगे ये बताओ। तो सेम ही एग्जांपल को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या बेनिफिट क्या लॉस होगा। सेम चीज हम अज्यूम करेंगे कि श्रीमान ए ने लगातार 5 साल प्रीमियम पे करा, वो आगे भविष्य की प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे, उन्होंने पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में यानी कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो पेड अप पॉलिसी के केस में अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं चैनल पे तो आपको पता है कि पेड अप फैक्टर की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम में 5 और प्रीमियम पेमेंट हम है 15, तो 5 को 15 से डिवाइड कर दे तो 0.33333 पेड अप फैक्टर आ गया। अब क्योंकि 5 साल ही प्रीमियम पे किया है तो अभी जस्ट हमने देखा था कैलकुलेट करके कि 5 साल में जो अक्योर्ड बोनस इकट्ठा हुआ था यानी कि जो अक्योर्ड बोनस था वो 50,000 रुपए का था। ठीक है, अब आगे बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए जो 2,50,000 रुपए का सम अशोर्ड है उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे तो रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड निकल के आ जाएगा जो कि 83,325 रुपए का होगा। ठीक है जी, इसी के ऊपर अब बेनिफिट आगे चल के मिलने हैं इसी की सहायता से। तो सबसे पहले हम एक चीज मान लेते हैं जो हो भी सकती है कि श्रीमान ए की मृत्यु मान लो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान हो गई, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें बताते हैं कि रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड के साथ में अक्योर्ड बोनस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर डेथ हो रही है, तो 83,325 में 50,000 रुपए जोड़ लेंगे तो 133,325 रुपए का डेथ बेनिफिट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर डेथ हुई। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद डेथ हुई तो फिर केवल रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड ही मिलेगा जो कि 83,325 रुपए का है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप रिड्यूस पेड अप के केस में डेथ बेनिफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं जो कि हर हाल में यहाँ पे सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही बैठ रहे हैं। ठीक है जी, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कि श्रीमान ए की मृत्यु नहीं हुई, श्रीमान ए बिल्कुल स्वस्थ हैं और 15 साल पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो गए यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में 50,000 रुपए का जो अक्योर्ड बोनस है उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे उनको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेंगे जो कि 5% होंगे रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड के। जी हाँ, बोनस अब नहीं मिलेगा क्योंकि जहाँ तक प्रीमियम पे करते हैं वहीं तक बोनस मिलता है, उसके बाद नहीं। तो गारंटेड बेनिफिट कितना हो गया रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड का 5%, तो 83,325 का 5% निकाल लिया तो 4,166.25 रुपए इनको हर साल मिलते रहेंगे। अब गारंटेड इनकम पीरियड कितना बैठेगा 50 साल का क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना चालू हो रहे हैं, तो टोटल सम ऑफ गारंटेड इनकम बेनिफिट यहाँ पे आ जाए 2,08,312.50 रुपए। ठीक है जी, इस तरीके से गारंटेड बेनिफिट यहाँ पे मिलते रहेंगे और मेच्योरिटी पे जाकर के इनको क्या मिलेगा केवल रिड्यूस पेड अप सम अशोर्ड ही मिल पाएगा और कुछ नहीं क्योंकि अक्योर्ड बोनस प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में मिल चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान में रिड्यूस पेड अप के केस में आपको बेनिफिट मिलते हैं। इस प्लान में चाहे आपने कोई सा भी राइडर लिया हो जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, सर्जिकल केयर राइडर, या फिर आपने आदित्य बिरला सन लाइफ का हॉस्पिटल केयर राइडर ही क्यों ना लिया हो, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वेवर प्रीमियम राइडर जिसे आप वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर भी कहते हैं, या फिर आपने एक्सीडेंटल डेथ राइडर प्लस लिया हो, अगर पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई तो सारे राइडर के बेनिफिट सीज हो जाते हैं यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए प्लान से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन से भी लिंक लेके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है जी, आई होप आपको जानकारी क्लियर होगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। अब एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाए कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।